एबे आसिबा संपूर्ण खबर को। गजपति जिला मोहना राइसिंग घाटी ओलटिला जातरीवाही बस अल्पके बर्तिले 24 जन जात्री। भोर तीनटा बेले कामधेनु जातरीवाही बस रायगड़ा जिला मुनिगुड़ ब्रह्मपुर जाउथिला भारसाम्य हराई राइसिंग घाटी रास्ता कड़क ओलटी पड़ा। मोहना पुलिस और अग्निशम बाहिनी घटनास्थल में पहुंची समस्त जात्री को उद्धार कर अन्य बस रे पठाई जमापड़। घन कुहुड़ी और ड्राइवरों असावधानता जो दुर्घटना होता अनुमान कर। गजपति जिला मोहना राइसिंग घाटी रे यात्रीबाही बस ओलटी अल्पके बर्तिले 24 जन यात्री। भोर तीनटा बेले कामधेनु यात्रीबाही बस रायगड़ा जिला मुनिगुड़ ब्रह्मपुर को जाउथिला भारसाम्य हराई राइसिंग घाटी रास्ता कड़क ओलटी पड़ा। मोहना पुलिस और अग्निशम बाहिनी घटनास्थल में पहुंची समस्त यात्री को उद्धार कर अन्य बस रे पठाई जमापड़। घन कुहुड़ी और ड्राइवरों असावधानता जो दुर्घटना होता अनुमान कर। वासुदेव दास गजपति प्रतिनिधि आम सहित फोन लाइन में जोड़ी होती। वासुदेव, केते बेले दुर्घटना घटी क्यों भली परिस्थिति दुर्घटना घटला कौन अपडेट रोचे? देखो आज भोर सका गजपति जिलार गोटे अभावन घटना घटी। कामधेनु नामक बस मुनिगुड़ा ठारु ब्रह्मपुर जाता समय भोर तीनटा समय भोर तीनटा समय मोहना निकटस्थ राइसिंग घाटी में गाड़ी भारसाम्य हेले रास्ता कड़क उल्टी पड़ा जहाँफल गाड़ी में 24 जन जात्री थे गाड़ी में मात्र गाड़ी उल्टी जाता किसी माड क्षति ना। घटनास्थल में पुलिस और अग्निशम विभाग कर्मचारी पहुंची समस्त जात्री को उद्धार करते अन्य एक गाड़ी व्यवस्था कर ब्रह्मपुर पठाई। देखो एत बड़ घटना घटला मात्र गोटे आश्चर्य कथा कहार किसी माड़े है। बिल्कुल सबुठ बड़ कथा हेउची विशेष किसी क्षय क्षति होना 24 जन जात्री थे सुरक्षित भाव में उद्धार होती किंतु क्यों कारण पर दुर्घटना घटला बस ड्राइवर वर्तमान क्योंठे पुलिस तदंत केमती देखुं? हाँ निश्चित भाव गायत्री देखो रात मुनिगुड़ बाहरी बस टी ब्रह्मपुर जाता मोहना निकट राइसिंग घाटी जो अच्छे गोटे टर्निंग टर्निंग रोच जो घाटी टर्निंग रोचे और घाटी आरंभ रोच राइसिंग घाटी में जहां अनुमान कर ड्राइवर टी भारसाम्य रही बुला करने समय बोधे आखि पड़ जाए कि गाड़ी कौन समस्या होता पे जहाँफल गाड़ी टी रास्ता कड़क उल्टी पड़ता से घाटी तौक पशे रास्ता तौक भारसाम्य खसी पड़ता जहाँ कि एत जन जात जो थे भगागस से किसी होना कहार किसी आहत होना घटनास्थल पुलिस पहुंची और ड्राइवर घटनास्थल घटनास्थल रही है और क्यों परिस्थिति भाव में दुर्घटना घटला ताको नहीं पुलिस अधिक तदंत करुछि। बिल्कुल मोटामोटी भाव में घन कुहुड़ी और ड्राइवरों असावधानता जो दुर्घटना होता अनुमान कर। 24 जन जात्री अल्पके बर्ती जाती भोर तीनटा समय अभावनीय घटना घटी। धन्यवाद समस्त सूचना पाई वासुदेव। सबडे हिमाचल प्रदेश रे तीर्थयात्री बस दुर्घटनाग्रस्त। भयंकर दुर्घटना रे 7 जनकर मृत्यु होईची। कुल्लू रे तीर्थयात्री बस दुर्घटनाग्रस्त होईची। भारसाम्य हराई खाई को खसिला बस। दुर्घटना रे 7 जनक मृत्यु 10 जन गुरुतर आहत होईचंती। 10 जन गुरुतरंकु हॉस्पिटल रे चिकित्सा पई भर्ती करा जायची। हिमाचल प्रदेश रे तीर्थयात्री बस दुर्घटनाग्रस्त होईची। भयंकर दुर्घटना रे 7 जनकर मृत्यु होईची। कुल्लू रे तीर्थयात्री बस दुर्घटनाग्रस्त होईची। भारसाम्य हराई खाई को खसी पड़ा बस टी। दुर्घटन 7 जन मृत्यु होता बेले 10 जन गुरुतर आहत होती। 10 जन गुरुतर को चिकित्सा पाई हॉस्पिटल भर्ती करा जाए। हलचल राजस्थान कांग्रेस राजनीति। सचिन पायलट को विरोध में मोर्चा खोलिले गेहलट समर्थकों विधायक। मिलता सूचना अनुसार बाचस्पति को इस्तफा देते गेहलट समर्थक 92 जन विधायक। बाचस्पति को भेट इस्तफा देते गेहलट समर्थक। अंपटे इस्तफा दे विधायकों आलोचना करजय माकेन और मल्लिकार्जुन खड़गे। वर्तमान पर संकट टाड़ा को अक्टोबर 19 जाए विधायक दल बैठक होबनी निष्पत्ति। कांग्रेस सभापति निर्वाचन होगा पर राजस्थान संकट नहीं विचार करा जीवो बोली आश्वासना दिया जाएगी।
तेबे याकु नै कोन हेबो गेहलट समर्थक विधायकक प्रतिक्रिया ता उपरे रहिछि समस्तक नजर कारण सचिन पायलट कु नै बडुछि असंतोष गेहलट कैंपर विधायकक कहबा कथा वर्तमान वाचस्पति थिबा सीपी जोशी को मुख्यमंत्री करा जाउ कहा जाउछि अशोक गेहलट एबे भी सचिन को उपरे संतुष्ट नहंती एणु निष्पत्ति नेबारे विलंब हेउछि गेहलट को समर्थक विधायक मैंने पायलट को नहीं खुश नथिबा जना पड़ी अशोक गेहलट राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष निर्वाचन लड़ापी निष्पत्ति नहीं एणु से खुब शीघ्र मुख्यमंत्री पदर इस्तफा देवे या पूर्व नुआ मुख्यमंत्री किए हेब से नहीं जारी रही रणनीति अशोक गहलोत जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने दो एमएलए से हमारी सबकी राय ले लें इसके बाद कांग्रेस हाईकमान जो फैसला करेगा वो हमें मंजूर क्या क्या मांग रख रहे हैं मांग एक ही है सोनिया गांधी जी राहुल गांधी जी हमारे नेता हमारे दिल की बात सुने समझे और एमएलए बड़ा गुस्सा है कि जिन लोगों ने बगावत की उनके कहने से अंदर क्या हुआ धारेवाल जवाब दे देंगे इस्तीफे स्वीकार हुआ है स्वीकार तो अध्यक्ष ने फैसला लेंगे हमने दे दिया विधायक ने तो हमने जो अपनी बात कही थी कह दी हाईकमान तक हाईकमान पर पूरा विश्वास है लेकिन जिन लोगों ने पार्टी तोड़ने की कोशिश करी है उनको किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा हम अभी इस्तीफा दे के आए हैं कितने विधायकों ने इस्तीफे दिए सुनो ना करीब 100 के पास है अच्छा सर किस प्रकार से लेते हैं आप किस प्रकार से इस पूरे घटनाक्रम को देखते हैं कि लगातार कवायद चल रही थी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं लेकिन उनके समर्थित जो विधायक हैं वो अब इस बात पर अड़े हुए हैं कि सचिन पायलट के अलावा किसी भी विधायक को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा और अगर ऐसा नहीं होता तो विधानसभा अध्यक्ष को इस्तीफा सौंपने की धमकी भी दे दी है देखिए ये अशोक गहलोत जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं और वो खुद भी कई बार ये कह चुके हैं कि पार्टी नेतृत्व का जो फैसला होगा उसे मैं मानूंगा इस तमाम संकट की घड़ी में उनको विधायकों को ये बताना चाहिए कि 2023 में भाजपा से लड़ना है सचिन पायलट से लड़ाई नहीं है सचिन पायलट जब अशोक गहलोत जी को चीफ मिनिस्टर बनाया गया था तो सचिन पायलट ने तो बगावत नहीं की थी सहर्ष स्वीकार किया और डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनना स्वीकार किया तो अशोक जी को थोड़ा बड़ा दिल दिखाना चाहिए और पार्टी ने उन्हें बहुत कुछ दिया है और पार्टी नेतृत्व को इस समय संकट में डालने का काम नहीं करना चाहिए पार्टी नेतृत्व कांग्रेस हाईकमान उन्हें कांग्रेस की अध्यक्षता सौंपने जा रहा है कांग्रेस की अध्यक्षता सौंपना एक बहुत गौरव की बात है कांग्रेस का अध्यक्ष बनना बड़ा गर्व की बात है लेकिन उससे पहले उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी से इतना लगाव इतना मोह होगा ये तो कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था तो मुझे लगता है कि अशोक जी अगर विधायकों को समझाएंगे अगर अशोक जी का इशारा होगा तो विधायक सब मान जाएंगे कांग्रेस नेतृत्व चाहता है कि इस समय बीजेपी से लड़ें हम सब मिलके राहुल गांधी जी वहाँ यात्रा कर रहे हैं आप कांग्रेस नेतृत्व को संकट में डालने का काम कर रहे हैं जब ऑब्जर्वर नियुक्त हो गया तो ऑब्जर्वर किसने नियुक्त किया कांग्रेस नेतृत्व ने हाईकमान ने नियुक्त किया तो कांग्रेस हाईकमान के निर्देश पे सीएलपी की बैठक बुलाई अगर आप सीएलपी की बैठक का बहिष्कार करते हैं तो इसका मतलब कांग्रेस हाईकमान के फैसले के खिलाफ बगावत करते हैं तो मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है अशोक जी को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए अपने विधायकों को समझाना चाहिए कि लड़ाई हमें भाजपा से लड़नी है बीजेपी को ख़त्म करना है सचिन पायलट को ख़त्म करना हमारा मिशन नहीं है कांग्रेस नेतृत्व यदि कोई फैसला लेता है तो उसका समर्थन करना चाहिए उसको मानना चाहिए यही कांग्रेस की ताकत है लेकिन अब सरकार गिराने का काम कौन कर रहे हैं अब कौन कर रहे हैं तो ये और मुझे लगता है कांग्रेस हाईकमान इस तरह की धमकियों से डरने वाला नहीं है लड़ाई विचारधारा की है कांग्रेस के हर नेता को कांग्रेस नेतृत्व में विश्वास रखना पड़ेगा और उसमें आस्था रखनी पड़ेगी वरना तो रास्ते खुले हैं मैं अशोक गहलोत जी से अपील करना चाहता हूं कि इस वक्त बीजेपी से लड़ने का वक्त है कांग्रेस नेतृत्व के हाथ मजबूत करने का वक्त है ये आपस के छोटे मोटे झगड़ों में देश का नुकसान ना करें पार्टी का नुकसान ना करें राज्यर विभिन्न स्थान में घड़घड़ी बिजुली सह वर्षा लागि रही है 24 घंटे कटक कंटापड़ा में सर्वाधिक 98 मिलीमीटर वर्षा रेकर्ड होता बेले तीर्तोल 95 मयूरभंज श्यामाखुंटा
89 और जगत सिंहपुर बालिकोदारे 68 मिलीमीटर वर्षा रेकर्ड करा जायछि। सेबडे पश्चिम केन्द्रीय बंगोपसागर में एक घूर्णिबलय सक्रिय रही फलरे 24 घंटे उपकूल ओडिशा सह मालकानगिरी रायगड़ा कोरापुट कलाहांडी कंधमाल ढेंकानाल केन्दुझर और मयूरभंज में घड़घड़ी सह वर्षा होबार संभावना रही फलरे एसबू जिला को येलो वार्निंग जारी कर आज और 27 तारीख में बिजुली सह घड़घड़ी वर्षा लागि रहिबो फलरे किछि जिला को येलो वार्निंग जारी कर सेबडे किछि दिनर व्यवधान परे आसंता काली ठारु वर्षार परिमाण बढ़ी पारे बोली सूचना देछि भुवनेश्वर आंचलिक पाणिपाग विज्ञान केन्द्र। 28 तारीख बेलकु प्रशांत महासागरु बंगोपसागर को एक घूर्णिबलय आसिबा संभावना रहिछि जहाँ अक्टोबर 1 रु 3 तारीख मध्यरे घनीभूत हो लघुचाप क्षेत्र में परिणत हो पारे परवर्ती समय ता अवपात में परिणत होबार संभावना रहिछि जहाँ प्रभाव में अक्टोबर प्रथम सप्ताह राज्य में भल वर्षा हो पारे बोली आकलन करिछि पाणिपाग विभाग। वर्तमान केन्द्रीय पश्चिम बंगोपसागर में गोटे घूर्णिबलय सक्रिय अच्छी ता प्रभाव में आज लगुच जो दक्षिण आभ्यंतरण डिस्ट्रिक्ट मैंने अच्छा से मैंने बेसी वर्षा पाइबे जमी मलकानगिरी कोरापुट नवरंगपुर कलाहांडी बलांगीर नुआपड़ा आ रायगड़ा गजपति किसीटा ब्लक से मिल वर्षा ता छड़ा आम उत्तर ओडिशा भी आज वर्षा रहिबार संभावना रहुचि आमर सुंदरगढ़ मयूरभंज केन्दुझर देवगढ़ झारसुगुड़ा संबलपुर बरगढ़ यही डिस्ट्रिक्ट गुड़ा लगुच बेसी वर्षा पाइबे ता छड़ा उपकूलवर्ती ओडिशा रे टिके थंडरस्टॉर्म रही पारे बेसी वर्षा लगुनी आउ एई टाइप रो सिचुएशन आउरी लगुच 24 घंटा रहिबो तापरे आपणकर गोटे घूर्णिबलय क्षेत्र क्रॉसओवर हबो जोटा साइक्लोन नूरू रो लैंडफॉल परे लगुच 29 सुधा से क्रॉसओवर हबो मते लगुच 1 तारीख सुधा से लघुचाप क्षेत्र आमर जो पूर्व उत्तर बंगोपसागर एडजेसेंट टू मायमार से फॉर्मेशन हम तापर घनीभूत भी हम घनीभूत होकर मत लगुच तीन तारीख सकाल सुधा से क्रॉस करने को चेष्टा करमर ओडिशा आ वेस्ट बेंगल बॉर्डर देकी तेणु ता प्रभाव में 2 तारीख सन्ध्यारु जो वर्षाटा स्टार्ट हम से इंटेन्स वर्षा हो पारे पर्टिकुलरली बालेश्वर मयूरभंज भद्रक जाजपुर केन्द्रापड़ा कटक जगतसिंहपुर खोर्धा पुरी नयागढ़ ढेंकानाल केन्दुझर इटा लगुच फास्ट लाइन ऑफ इंपैक्ट रहिबो वर्षाटा विस्तृत हो जिवो आउ ओवरऑल प्रभावटा लगुच 6 तारीख पंत रह ओडिशा रे परिवर्तन आनिछि मिशन शक्ति गांठु शहर सबुठी पहुंचीछि मिशन शक्ति छोटो चारारु सृष्टि होइथिबा मिशन शक्ति आज विराट वृक्ष रे परिणत होइछि ए गछ एबे आकाश छुइबा को लक्ष्य रखिछि न्यूज 18 ओडिया तरफ अनुष्ठित होइथिबा आत्मनिर्भर ओडिशा 2022 बिजनेस लीडरशिप अवार्ड रे जोगदे या कहिछन्ति मिशन शक्ति सचिव तथा कमिश्नर सुजाता आर कार्तिकियन मिशन शक्ति महिला को परिचय बदलाइछि ओडिशा रे 500 रु अधिक स्वयं सहायक गोष्ठी अछन्ति ए गोष्ठी वर्षकु 400 कोटी टंकार व्यवसाय करछन्ति खूब शीघ्र भुवनेश्वर रे मिशन शक्ति बाजार खोलिबो बोली से कहछन्ति सम्मानित हेउछन्ति निजर पुनः व्यवहारकारी सैनिटरी ऑन स्टेज मिशन शक्ति मा माने अक्रॉस द स्टेट ऑफ ओडिशा अछन्ति फ्रॉम मो बाबूजी एमती को गा नथिबो को पल्ली नथिबो को साई नथिबो को पंचायत नथिबो जोठी मिशन शक्ति रो सदस्य माने नथिबे From the forests and hills of Keunjar and Mayurbhanj to the Swabhiman Anchal of Malkangiri, to the coal mining areas of Sundargarh, to the rice fields of Ganjam. आपण जाई कि देखंतु जोठी भी एटा कहिबा अतृप्ति हबो नै कि प्रत्येकटी परिवार रे पाखा पाखी बोधे आमर मिशन शक्ति मा माने अछंती ओडिसा रे सो इट्स लाइक अ ह्यूज ह्यूज रेवल्यूशन जोटा गाँव रे केवल नुह शहर रे शहरांचल रे भी से मिशन शक्ति रो प्रेजेंस अच्छी द विजन बिहाइंड मिशन शक्ति इन ओडिशा वाज एंड आई थिंक टू अ लार्ज एक्सटेंट वी हैव बीन सक्सेसफुल प्रत्येक माँ को प्रत्येक महिला को रोसई घर घर भितर बाहर करिवार अच्छी जो निजस्व गुण अच्छी गोटे निजस्व परिचय अच्छी आइडेंटिटी अच्छी एस्टाब्लीश करिवार आपण माने समस्ते देखिथिबे निज घरे भी वर्ष वर्ष धरिकी जुग जुग धरिकी गोटे महिलार परिचय कौन थिला से ललितर माँ पंडा बाबूं बहु किंबा विनोदर स्त्री निज ना नहीं कि केबे भी महिला मानू डका ही हो नथिला टिल यू नो सम विमेन इवन फॉरगेट देयर नेम्स मिशन शक्ति रो उद्देश्य थिला
कि प्रत्येक महिला को तांकर जो निजस्व गोटे वॉइस अछि गोटे आवाज अछि ताकु किमती गोटे समाज रे एस्टैब्लिश करा जिवो किमती लोक सुणिबे ता कथा तार भी गोटे मंतव्य अछि तार भी गोटे पॉइंट ऑफ व्यू अछि तार भी गोटे इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी अछि सेटा को केमती एस्टैब्लिश करा जिवो दैट वाज द विजन ऑफ मिशन शक्ति एंड आई स्टैंड हियर टुडे विथ फुल कन्विक्शन आई से दैट यस To a large extent, we have been successful in this. We have a long way to go, but we have been successful. Dwitiya bahut bada jinsa hechi Odisha re jota ki mo bhabune au ko desa re au ko country re kimba au ko rajya re hechi. Seta hochi 2019 re the state cabinet passed an order, passed a decision saying that 5000 crore worth of goods and services will be procured only from Mission Shakti SHGs in the next 5 years. एटा आउ कोठी है नहीं आपण माने भावुथिबे गवर्नमेंट कौन किणिबो एसएचजीस कटो यू नो गवर्नमेंट इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोक्योरर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आई विल गिव यू फ्यू एग्जांपल्स छोटो पिला माने अंगनवाड़ी सेंटर रे जो छतुआ खाउचंती प्रेग्नेंट मां मानू को पैक करा है कि अंगनवाड़ी सेंटर रे जो छतुआ दिया होची इन ऑल अदर स्टेट्स दिस एक्टिविटी इज डन बाय प्राइवेट एजेंसीज बाय कॉन्ट्रैक्टर्स इन ओडिशा This is done by self-help groups. 500 ro adhik swayam sahayak goshti machine set up kariki for roasting, grinding, other things. Eta 400 koti tankar ro turnover ro business eta kebala swayam sahayak goshti mane karuchanti Odisha re. SHG activity ko kemti khudro udyog re parinato kara jai paribo. Mayurbhanj ro ma jo sabai jinso banauchi seta kemti London aur Tokyo re bhi available hei paribo. Even now, through platforms, se mane Finland aur Iceland ko bikri karchanti. But in a structured manner, amo maa mananko hatto jinso, kemti ame pura desore, pura rajyore, through e-commerce platforms banai paribu, ta pai jaha support darkar. We have set a target for ourselves, 50,000 koti tonka bank finance to SHGs in the next 5 years. 500 urdhva Mission Shakti bazaars across the state. I am happy to announce that Bhuvaneshwar Mission Shakti bazaar will soon be launched in November, December, where you can get Mission Shakti products 12 maso, 365 days. So this is what we provide, a platform. आत्मनिर्भर ओडिशा पाई उभय केन्द्र और राज्य सरकार उद्यम जारी रही दीर्घस्थायी परिवर्तन पाई उपयुक्त परिवेश सृष्टि जेतिक आवश्यकता अछि लोकों मानसिकतार परिवर्तन आवश्यकता मध्य ठीक सेतिक अछि न्यूज 18 ओडिया तरफ आयोजित आत्मनिर्भर ओडिशा 2022 बिजनेस लीडरशिप अवार्ड रे जोग दे अतिथि माने एहा कहिछन्ति आत्मनिर्भर कि आज पर्यंत भी केही कहि परबेन पृथ्वी रे मु आत्मनिर्भर हे गेली इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस एवं आम आत्मनिर्भर हवा आड़ को आम बर्तमान पदक्षेप नहींचु पाद बढ़ेचु एवं से दिगरे आम बढ़ी सारू 2016-22 होगा बढ़ी सारे देर इज नो लुकिंग बैक कथा आग को जीव पक्ष को अनेबार ना एवं आग को गले ही आम समस्त फ्यूचर सुरक्षित मो ओडिशार फ्यूचर सुरक्षित ओडिशार जो यूथ अच्छा ताको फ्यूचर सुरक्षित टेक्निकाल हूँ नॉन टेक्निकाल हूँ से मैंने प्रत्येक जिले में हुए तो बड़ बड़ शिल्प करें किंतु से मैंने छोट छोट शिल्प मध्यम गोटे आत्मनिर्भर हो पारे गोटे गोटे छोट छोट एमती शिल्प करें 200-300-500 लोक को आम से कम लगे पार सुतरां टॉय मेकिंग थरु रोबोटिक्स पर्यंत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर्यंत समस्त क्षेत्र रो सामग्रिक विकास आज आम पई सबुठरु बड़ आह्वान एमानको मार्केटिंग व्यवस्था करिया पड़िबो आंकु टेक्निकल गाइडेंस भी दरकार आंकु हैंडहोल्डिंग सपोर्टिंग भी दरकार ए सबु पई आमकु नुवा विजन नेबो राज्य रे बढ़ुची राजनैतिक उष्मता मोर्चा संभालिबे बीजेडी एवं बीजेपी रो टॉप ब्रास 29 तारीख रे कर्मी को टिप्स देबे बीजेडी सुप्रीमो आ 29 तारीख रे ही त्रिदेव को टिप्स देबे बीजेपी सभापति जेपी नड्डा तेणु एबे थारु चलचंचल शंख एवं पद्म कैंप पदयात्रा एवं प्रशिक्षण शिविर रे तयारी हेबो 24 पई रोड मैप निर्वाचन पई क्षेत्र प्रस्तुत कलेनी बीजेडी आ बीजेपी केन्द्र मंत्री ओ क्षेत्रीय प्रभारी का घन घन गस्त पर 29 तारीख रे ओडिशा गस्तरे आसछंती बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आउ ठीक सही दिन दलर छामुआ संगठन को भेसिबे बीजेडी सुप्रीमो नवीन पटनायक आउ एई बैठक रे
प्रस्तुत हेब आगामी कार्यक्रम पर रोडमैप। नड्डा बनाम नवीन 29 तारीख में मुहांमुही हेबे बीजेडी आउ बीजेपी। दलय कर्मकर्ता मंत्र देवे दुई दलर मुखिया। दलर छामुआ संगठन सह आलोचना करेंगे बीजेडी सुप्रीमो। छात्र युव और महिला संगठन नेता कथा हेबे नवीन। सेपटे आगक बीजेडी रही माराथन कार्यक्रम गांधी जयंती पदयात्रा प्रतिष्ठा दिवस और विजु जयंती को व्यापक करने को योजना करिछि शासक दल। पदयात्रा मझे महिला समावेश प्रशिक्षण शिविर पर दल योजना करिछि। धर्मशाला प्रशिक्षण शिविर सरी बेले सबु निर्वाचन मंडल में समान भाव प्रशिक्षण पर प्रस्ताव देते दलय नेता लोकों निकटतर होगा दल मेगा योजना करथवा बेले 29 तारीख बैठक में प्रस्तुत हेब रोडमैप। सरकारी योजना को लोकों निकट में पहुंचाइबा वोट प्रतिशत बढ़ावा दलय योजनार टिप्स देवे बीजेडी सुप्रीमो। से आमर तो प्रति वर्ष जो कार्यक्रम हुए से अनुजाई नुआ प्लान कौन मान्यवर मुख्यमंत्री पार्टी सभापति अच्छा सीता ब्लू प्रिंट करें जान आम सब बड़े काम रखे ये काम को आज नुआ रूपरेखे कौन अध्याय जोड़े से मान्यवर मुख्यमंत्री निष्पत्ति करेंगे। सेपटे ओडिशा रे शक्ति वृद्धि पई बल लगाई बीजेपी। केन्द्र नेता घन घन गस्त लग रही बेले 29 तारीख से राज्य नेता संजीवनी देवा आसुचार राष्ट्र सभापति जेपी नड्डा। पंचायत शक्ति केन्द्र प्रमुख सह प्रमुख एवं प्रभारी को देवे निर्वाचन मंत्र। तृणमूल स्तर में शक्ति बढ़ावा को दल नुआ स्ट्राटेजी करथवा बेले प्राय 25,000 कर्मी को एकजुट कर शक्ति प्रदर्शन करने योजना कर पद्म कैंप। नड्डा गस्तर पूरा फायदा उठावा लक्ष्य रे राज्य नेतृत्व प्रति शक्ति केन्द्र रु 3 जन लेखा कार्यकर्ता आम जो मैंने अच्छा से मैंने आसवे समावेश हम विभिन्न प्रकार स्तरीय कार्यक्रम अच्छी जिला सभापति ऑफिस बियरर एमएलए एमपी प्रभारी एमंत्र भिन्न भिन्न पर्यायर बैठक अच्छी सांगठनिक बैठक हम प्रत्येक मोर्चार जिलार कमिटी सांगे आलोचना करेंगे। आख्यागर 24 निर्वाचन तेणु बाजी जीतवाक अक्टोबर आहरी चलचंचल हो राजनैतिक पापाग। बीजेडी पदयात्रा आरंभ होता बेले गाँ बुलिबे बीजेपी नेता आउ कांग्रेस भी कर पदयात्रा। भुवनेश्वर दुष्मंत बेहरा और अजेश मल्लिक न्यूज 18 ओडिया। हैदराबाद रे सूर्य कुमार यादव एवं विराट कोहली का सुपर शो। तृतीय तथा अंतिम टी20 मैच रे विश्व चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट रे हराई भारत आउ मैच सहित 2-1 रे सीरीज हाथ भारत। प्रथमे बैटिंग करी ऑस्ट्रेलिया निर्धारित ओवर रे 7 विकेट हराई 186 रन करथिला। दल पक्षरो कैमरन ग्रीन बाउन टीम डेविड 54 रन रो इनिंग्स खेलते। भारत पक्ष अक्षर पटेल सर्वाधिक 3 विकेट नहीं जवाब रे भारत प्रथम केएल राहुल विकेट हरईला पर अधिनायक रोहित शर्मा 17 रन करी प्याविलियन फेरी थिले। यहाँ परे सूर्य कुमार यादव एवं विराट कोहली जोरदार बैटिंग करी थिले। सूर्य कुमार यादव 36 बॉल रो 5 चौका एवं 5 छक्का बल रे 69 रन करिवारे सक्षम होइथिले। सेबडे विराट कोहली 48 बॉल रो 4 छक्का एवं 3 चौका सह 63 रन करी थिले। अंतिम ओवर रे भारत को जितिबा को 11 रन आवश्यक थिला। कोहली प्रथम बॉल को छक्का मारिथिबा बेले द्वितीय बॉल रे आउट होइथिले। शेषे हार्दिक पांड्या चौका मारी भारत को विजयी कराइले। पांड्या 25 रन इनिंग्स खेलते। भारत लगातार 10th सीरीज हाथे सफल होती। विश्वकप पूर्व विश्व चैंपियन को हर भारत मनोबल दृढ़ रही। विश्वकप पूर्व भारत घर मटी दक्षिण आफ्रिका को भेटिबा।